हेलो बच्चों, वेलकम बैक। वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे आपको आपकी क्लास के हर सब्जेक्ट को आसान हिंदी भाषा में समझाया जाता है। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 इंग्लिश बुक हनीकॉम का चैप्टर नंबर 5 क्वालिटी। ये एक शू मेकर की कहानी है, किस तरह से वो अपने प्रोफेशन के चैलेंजेस को फेस करता है। तो चलिए हम अपनी चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। मतलब मैं उन्हें अपने बड़े होने के बहुत पहले के दिनों से जानता था। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। और मैं उन्हें इसलिए जानता था क्योंकि वो मेरे पिताजी के जूते बनाया करते थे। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप। और वो अपने बड़े भाई के साथ अपनी दुकान में रहा करते थे। विच वॉज इन द स्मॉल स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन। जो कि लंडन के एक अच्छी जगह या लंडन की एक जानी मानी जगह पे एक छोटी सी गली में थी। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। मतलब जो दुकान थी वो बाकी दुकानों से पूरी कहीं पे थोड़ी सी अलग थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ग्रेसलर्स ब्रदर्स। उसके जो बाहर साइन बोर्ड था उस पर सिर्फ एक नाम लिखा हुआ था, गेस्लर ब्रदर्स। इसके अलावा कुछ और भी नहीं लिखा हुआ था। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स। और इसकी खिड़की में कुछ जूतों के जोड़े पड़े रहते थे। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर्ड। वो सिर्फ वही बनाता था जो कि उसे वो सिर्फ वही जूते बनाता था जिनका कि उसे ऑर्डर मिलता था। एंड वॉट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट। और जो भी वो बनाता था वो मतलब हमेशा ऑर्डर देने वालों को अच्छे से फिट आते थे। टू मेक बूट्स सच अ बूट्स एज ही मेड सीम्ड टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। मतलब जिस तरह के वो जूते बनाता था, जैसे जूते उसने बनाए या मेरे को दिए या मैंने पहने, तब भी मुझे ऐसा लगता था और आज भी ऐसा लगता था कि ये एक बहुत ही रहस्यमय और बहुत बढ़िया तरीका था। आई रिमेम्बर वेल माई शायरी मार्क्स। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने शर्माते हुए कहा था, वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट। मतलब जब मैं एक बार उन्हें अपना पैर दिखा रहा था तो मैंने शर्माते हुए कहा था, इजंट इट ऑफुली हार्ड टू डू मिस्टर गेस्लर। के तो मैंने उन्हें कहा था, मिस्टर गेस्लर, क्या आपको ये नहीं लगता कि आपका काम बहुत मुश्किल है। एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल एंड आउट ऑफ रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज़ एन आर्ट। मतलब उन्होंने एक अच्छी स्माइल करते हुए और अपनी लाल दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, इट इज़ एन आर्ट, कि ये भी एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन। मतलब अक्सर उनके पास जाना या बार बार उनके पास जाना पॉसिबल नहीं होता था। हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली। क्योंकि उनके द्वारा जो बनाए हुए जूते थे वो बहुत लंबे समय तक चलते थे। हैविंग समथिंग, उनमें कुछ ऐसा था having something beyond the temporary some essence of boot stitched to them। क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए जूते होते ही इतनी अच्छी क्वालिटी थे कि उनकी जो स्टिचिंग थी, उनकी जो सिलाई थी, वो इस तरह से की जाती थी कि वो बहुत ही लंबे समय तक चलते थे। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स द चर्च। मतलब हर कोई जब जाता था वो बहुत सी दुकानों में नहीं जाता था, पर बहुत आराम से जाकर चर्च में बैठ जाता था। एंड सिटिंग ऑन अ सिंगल वुडन चेयर वेटेड। वो बाहर वो जब भी कोई जाता था तो वो जाकर एक लकड़ी की जो अकेली कुर्सी होती थी उसके ऊपर बैठ कर आराम से वेट करता था। A guttural sound and a tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs. He would stand before one without coat, a little bent, a leather apron with sleeves
turned back, blinking as if awakened from someone from some dream of boots. मतलब वो जो इंसान थे वो अक्सर चर्च पे जाया करते थे, वहाँ जाकर एक जो अकेली लकड़ी की कुर्सी होती थी उस पे बैठ जाया करते थे. ये बिल्कुल ऐसे था जैसे जब आप उनकी दुकान में जाते थे तो ऐसा लगता था कि आप किसी चर्च में आए हो जहाँ पे आप एक सिंगल वुडन चेयर, मतलब किसी एक आदमी के बैठने वाली जो लकड़ी की कुर्सी, आप उस पे बैठ जाते हो और इंतज़ार करते हो. अगर तो कभी ठक ठक की आवाज़ आती एंड टिप टॉप स्लीपर्स और जो मालिक थे उनके आने, उनके जूतों की आवाज़ आती थी, बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, जो कि पतली, जो कि थोड़ी सी तंग जो लकड़ी की बनी हुई सीढ़ियाँ थी वहाँ से आते थे. ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और वो सामने वाले व्यक्ति के आगे बिना कोट के खड़े हो जाते थे, लिटिल बेंट, थोड़े से झुके हुए, इन लेदर एप्रन. उनके उन्होंने आगे लेदर का बना हुआ, चमड़े का बना हुआ एप्रन पहना होता था, विद स्लीव्स टर्न्ड बैक, और उनके जो बाजू होते थे कमीज़ के वो पीछे मोड़े होते थे, ब्लिंकिंग, अपनी आँखों को वो ब्लिंक करना, मतलब अपनी आँखों को कभी बंद करते थे कभी खोलते थे, एज इफ अवेकन्ड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, और उन्हें देखकर ऐसा लगता था दुकान में जाकर जैसे कि वो कब किसी जूतों के सपने से अभी अभी जागे हों. एंड आई वुड से, और मैं कहाँगा, और मैं वहाँ जाकर कहता था, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, आप कैसे हैं मिस्टर गेस्लर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मुझे रशियन लेदर के जूतों का एक जोड़ा बना देंगे. विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग When she came, मतलब जैसे वो बिना बोले मुझे वहाँ पे छोड़ देते थे, और when she came, जब वो वापस आते थे, और into the other portion of the, जब वो वापस आते थे तो जब वो दुकान के दूसरे हिस्से से वापस आते थे, and I would continue to rest in the wooden chair, मैं तभी वहाँ जो लकड़ी की बनी कुर्सी थी मैं उसी पे बैठकर इंतज़ार करता रहता था, इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ ट्रेड, और वहाँ पे मुझे इंसेंस ऑफ ट्रेड मतलब जो उनका जूते बनाने का काम था तो वहाँ से हमेशा चमड़े की स्मेल आती रहती थी जो कि वहाँ बैठने वाला व्यक्ति सूंघता रहता था. सून ही वुड कम बैक, तभी वो वापस आ जाते, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और तभी वो अपने हाथ में भूरे सुनहरी रंग का लेदर उठाए हुए वापस आ जाते, विद हिज आइज फिक्स्ड ऑन इट, और उनकी नज़र उसी पे ठहरी रहती. ही वुड रिमार्क, और वो कहते, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, कि ये कितना सुंदर चमड़े का टुकड़ा है. व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, जब मैंने भी उस टुकड़े की प्रशंसा की, ही वुड स्पीक अगेन, तो वो दोबारा कहते, व्हेन डू यू वांट देम, कि आपको वो जो जूते हैं वो कब तैयार चाहिए. एंड आई वुड आंसर, और मैं कहता, ओह एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन, कि आप जितनी जल्दी इन्हें आराम से बना सके. देन ही वुड से, और वो कहते, टुमारो फोर नाइट, मतलब आप इन्हें कुछ दिनों के बाद ले जाना. और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, आई विल आस्क माई ब्रदर, और अगर उनके बड़े भाई होते तो वो बोलते कि मैं अपने भाई से पूछूंगा. देन आई वुड मर्मर थैंक यू, और तभी मैं कुछ धीरे से बुदबुदाता थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, और मैं उन्हें नमस्ते करके नमस्ते कर देता. मिस्टर गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, और तभी वो मुझे भी शुभ प्रभात कहते, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और परंतु जो उनकी नज़र होती वो अपने हाथ में पकड़े हुए चमड़े के टुकड़े पर ही होती. As I moved to the door, और जैसे ही मैं दरवाजे तक आता, I would hear the tip tap of his slippers going up the stairs, और तभी मैं उनकी जो ऊपर चढ़ते हुए जूतों की आवाज़ आराम से सुन पाता था, to his dream of boots, ताकि वो अपना जूते बनाने का सपना पूरा कर सकते.
I cannot forget the day on which I had occasion to say to him. मतलब मैं वो वाला दिन या वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता जिस दिन मुझे ये मौका मिला कि मैं उनसे ये कह पाया, Mr. Gessler, that last pair, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know, कि Mr. Gessler, जो आपने मेरे लिए पिछला जूतों का जोड़ा बनाया था वो क्रैक हो गया, मतलब वो फट गया है. He looked at me for a time without replying. उन्होंने कुछ समय तक बिना कुछ बोले मेरी तरफ देखा, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, जैसे कि वो ये आशा कर रहे थे कि मैं जो मैंने कहा है मैं उस बात अपने शब्दों को वापस ले लूँगा. Then he said, it shouldn't have creaked, कि वो बिल्कुल भी फटने नहीं थे. It did, I am afraid, तो मैंने कहा कि वो फट गए. You got them used before they found themselves, मतलब आप We got them wet before they found themselves. मतलब वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने इन्हें अपनी उनके टूटने से पहले ही तोड़ दिया. I don't think so. मुझे लगता कि मैं ऐसा नहीं सोचता. At that he lowered his eyes. और तभी वो अपनी उन्होंने अपनी आंखें नीचे की, as if hunting for the memory of those boots. Just, and I felt sorry. I had mentioned this grave thing. मतलब उन्होंने अपनी नज़रें नीची कर ली. ऐसा लगा कि वो सोच रहे थे कि वो उन जूतों के जोड़े को याद करने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे भी बहुत दुख हुआ कि मैंने इस बुरी बात को उन्हें कहा. Send them back, मतलब उन्हें वापस ले आओ. I will look at them, मैं उन्हें देख लूँगा. Same boots, he continued slowly. और तभी उन्होंने कहा, वही पुराने जूते आप वापस ले आओ. दे आर बैड फॉर बर्ड. इफ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल. मतलब कि वो वैसे तो बुरे नहीं थे, परंतु अगर मैं उन्हें ठीक ना कर पाया तो मैं तुम्हारी आपकी कीमत में से उनकी कीमत कम कर दूंगा. वंस ओनली आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली इन टू हिज शॉप. एक बार मैं बिना कुछ सोचे समझे उनकी दुकान पर चला गया. In a pair of boots bought in an emergency at some large firm. और तभी मैंने कुछ एक ऐसे जूतों का जोड़ा पहना हुआ था जो कि मैंने किसी बड़ी कंपनी से लिए थे. He took my order without showing me any leather. और तब उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए मेरा ऑर्डर तो ले लिया और मुझे कोई भी चमड़े का टुकड़ा नहीं दिखाया. I could feel his eyes. मैं उनकी आँखों को पढ़ सकता था. Penetrating the interior covering of my foot, जो कि मेरे जूतों के अंदर की सतह को देख रही थी. At last he said, those are not my boots. और अंत में उन्होंने बोल ही दिया कि जो जूते आपने पहने हैं वो मेरे जूते नहीं हैं. The tone was not of anger. उनके जो बोलने का तरीका था वो गुस्से से भरा नहीं था. Nor of sorrow. ना उन्हें कोई इस बात का दुख था. Not even of contempt. और वो इस बात के लिए किसी को दोषी भी नहीं ठहरा रहे थे. But there was in something quiet that froze the blood. परंतु फिर भी उनकी आँखों में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मेरा खून जम रहा था. He put his hand down and pressed the finger on the place where the left foot was not quite comfortable. उन्होंने अपना हाथ नीचे किया और मेरे पैर की उंगली की उस जगह पे दबाया जहाँ पे कि मेरा जो बाएं पैर का जूता था वो मुझे कंफर्टेबल, मतलब मेरे लिए आरामदायक नहीं था. इट हर्ट्स यू देयर, ही सेड. उन्होंने कहा कि क्या यहाँ पे आपको दर्द होता है. दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट. ये जो बड़ी जूते बनाने वाली कंपनियाँ हैं ये इनकी अपनी कोई भी ईमानदारी नहीं होती. एंड देन As if something had given way within him, he spoke long and bitterly. मतलब इसके बाद शायद उन्हें लगा कहीं अंदर से उन्हें दुख हुआ था. उन्होंने थोड़ा लंबा समय तक बोला और बुरे से बोला. It was the only time I have ever heard him discuss the conditions and hardship of this trade. मतलब ये वो अकेला समय था जब मैंने उन्हें पहली बार उनके काम कि जो कंडे उनके काम के जो हालात थे और उस काम को जारी रखने के लिए जो कठिनाइयां उन्हें देखनी पड़ती थी उसके बारे में उन्होंने पहली बार मेरे साथ डिटेल में बात की थी.
they get it all, he said. They get it by advertisement. They get it by advertisement, not by work. मतलब उन्होंने कहा कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यही सारे ग्राहक ले जाती हैं और वो इन ग्राहकों को लाने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स मतलब विज्ञापनों का सहारा करती हैं, not by work, और ना कि अपने कामों से जानी जाती हैं. They take it away from us who loaf our boots. मतलब वो हम लोगों से सारा काम छीन जाती हैं जो कि अपने जो जूते हैं उन्हें बहुत मेहनत से बनाते हैं. इट गोज़ टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क. और उन्होंने कहा कि सभी ग्राहक इन बड़ी कंपनियों की तरफ चले जाते हैं जैसे कि अभी मेरे पास कोई भी काम नहीं है. एवरी ईयर इट गेट्स लेस. मेरा काम जो है हर साल कम होता जा रहा है. यू विल सी, जैसा कि आप देखोगे. And looking at his lined face, I saw the things I had never noticed before. और जब मैंने उनके झुर्रियों भरे चेहरे को देखा तो मैंने उन चीज़ों को देखा या उन बातों को नोटिस किया जिन्हें कि मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था. Bitter things and bitter struggle and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. मतलब bitter things, मैंने देखा कि उनके लिए चीज़ें कितनी मुश्किल हैं, उनका संघर्ष कितना मुश्किल था. एंड what a lot of grey hairs, और मतलब उनकी जो लाल दाढ़ी थी, जो उनके जो दाढ़ी के बाल थे उसमें बहुत से सफ़ेद बाल उभर आए थे. As best I could, I explained the circumstances. जितना अच्छा मैं कर सकता था उतने अच्छे तरीके से मैंने उन्हें उन परिस्थितियों के बारे में बताया. Of those ill-omented boots, जितना अच्छा मैं कर सकता था या जितने बढ़िया तरीके से मैं उन्हें बता सकता था, तो मैंने उन्हें उन हालातों के बारे में बताया जिन हालातों में मैंने वो चुभने वाले जूते खरीदे थे. But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. परंतु उनका जो चेहरा था, उनकी जो आवाज़ थी, उसका मुझ पर इतना प्रभाव पड़ा कि अगले कुछ ही मिनटों में मैंने बहुत सारे जूतों के जोड़े ऑर्डर कर दिए. दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो जूते पहले से भी कहीं ज़्यादा समय तक चले. एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और मैं तकरीबन 2 साल तक उनके पास नहीं जा पाया. इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप. मतलब उनकी दुकान पर जाने से पहले बहुत से महीने बीत गए. दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर, और जब इस बार मैं गया तो मुझे लगा कि उनके बड़े भाई थे हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, जो कि एक चमड़े का टुकड़ा लेकर आए थे. वेल मिस्टर गेस्लर, I said, how are you? और तभी मैंने कहा वहाँ जाकर कि अच्छा तो मिस्टर गेस्लर आप बताइए आप कैसे हैं. He came close and peered at me. वो मेरे पास आए और मेरी तरफ देखते हुए बोले, I am pretty well, मैं बहुत अच्छा हूँ. He said slowly, उन्होंने धीरे से कहा, but my elder brother is dead, परंतु मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है. आई होप आपको यहाँ तक ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया. कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. सो कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप ग्रोइंग. थैंक यू.